नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कैलाशनाथ तांत्रिक जी के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको प्रॉपर्टी केस जीतने के लिए टोटके के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको प्रॉपर्टी केस जीतने के लिए जो टोटका बताने जा रहे हैं, वह टोटका हमने आजमाकर ही आपको बताया है। दोस्तों, यह टोटका एक बार करने से ही आपका काम 100% हो जाएगा। आपको बार बार कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, प्रॉपर्टी केस एक ऐसा केस होता है, इसका फैसला आपके पक्ष में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते आपके चप्पल घिस जाएंगे, लेकिन वह फैसला होने में बहुत देर हो जाएगी और वह फैसला क्या होगा यह आपको भी नहीं पता चल रहा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हाँ, यह फैसला हमारे पक्ष में नहीं आने वाला, यह फैसला हमारे शत्रु के पक्ष में गिर जाएगा। तो दोस्तों, अगर इन स्थिति पे आप गुजर रहे हैं, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका प्रॉपर्टी केस आपके हाथ से निकलता जा रहा है, आपका शत्रु जीत जाएगा, यह फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा, तो दोस्तों इस उपाय को जरूर करके देखें, आपका काम 100% हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने घर के पास कोई केले का पेड़ या फिर कोई पीपल का पेड़ देखना है, उसके नीचे बैठकर आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, पीपल के पेड़ के नीचे आपको बैठना है, दो लौंग, दो इलायची और एक लाल कपड़ा लेकर। दोस्तों, उसके बाद आपको यह लाल कपड़ा अपने सामने कुछ इस तरह रख देना है और फिर यह लौंग और यह इलायची आपको अपने हाथ पे रख के इसे, अगर आपकी कोई केस फाइल है उस केस फाइल के ऊपर से अगर आपको इसे 7 बार घुमाना है और फिर इस कपड़े के अंदर डाल देना है। दोस्तों, उसके बाद आपको यह लाल कपड़े को कुछ अच्छी तरह से बिल्कुल ऐसे बंद कर देना है, यानी एक पोटली बना लेनी है इसकी, और फिर इसे अपने हाथों से ढक के कुछ इस तरीके से इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है, भाव कुबेराय तट फट लक्ष्मी नमो नमः। दोस्तों, यहां पे कुबेराय और लक्ष्मी जी का मंत्र इसलिए लिया गया है क्योंकि लक्ष्मी जी और कुबेर जी हमारे धन, प्रॉपर्टी, इन चीजों में विजय प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको यह लाल कपड़ा और इसमें लौंग और जो इलायची है वो ऐसे ही पीपल के पेड़ के नीचे उसी वक्त आपको किसी पत्थर के माध्यम से या फिर मिट्टी में गाड़ देना है, रख देना है वहां पे। मतलब दोस्तों, कुछ ही हफ्तों में वह फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा, आप अपना प्रॉपर्टी केस जीत जाएंगे और उसके बाद जो आपका शत्रु है वह हार जाएगा। दोस्तों, यह उपाय जरूर करके देखें, आपका प्रॉपर्टी केस का फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। तो दोस्तों, अगर इस उपाय को करने में कोई दिक्कत या परेशानी आती है या फिर जिस मंशा से आपने यह उपाय किया था वह आपके पक्ष में नहीं आया, तो आपको हमारे कैलाशनाथ तांत्रिक जी से अपनी हर तरह की शंका को दूर करने के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करना है और अपनी समस्या का समाधान जानना है। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।